हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीहू, परी, प्रागति, जितुश्री, भारती और बबली के बारे में। आप सभी को बताएंगे इनके रिलेटेड काफ़ी सारी बातें। सबसे पहले बात करेंगे सभी किस वजह से फेमस है। पीहू वह फेमस है अपने मॉरल वीडियोस की वजह से, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इनके मॉरल वीडियोज़ को देखना। आज बात करेंगे परी के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परी के लोग चैलेंजिंग वीडियोज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रागति के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा लोग आज काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं प्रागति के YouTube शॉर्ट वीडियोस को देखना। चलिए बात करेंगे जितुश्री के बारे में, आप सभी को बताएंगे लोग क्यों पसंद करते हैं, कौन से वीडियोस को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इनके। तो ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है जितुश्री के। आज वही बात करेंगे भारती के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भारती के आज लोग ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए बात करेंगे भारत बबली के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा बबली के लोग ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए बात करेंगे अब हम इन सभी की एज के बारे में, कितनी साल की हो चुकी हैं ये सभी यूट्यूबर्स, सब की एज मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले बात करेंगे पीहू के बारे में, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा पीहू की एज है अभी 15 साल। चलिए बात करते हैं परी के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परी की जो एज है अभी वह है 13 साल। जी हाँ दोस्तों, 13 साल की हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं प्रागति के बारे में, आप सभी को बताएंगे इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रागति की एज हो चुकी है अभी 20 साल। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं जितुश्री के बारे में, आप सभी को बताएंगे जितुश्री की एज कितनी हो चुकी है अभी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जितुश्री की एज हो चुकी हैं अभी 24 साल। वही बात करेंगे भारती के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भारती की एज के बारे में, भारती की एज हो चुकी हैं अभी 24 साल। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करेंगे बबली के बारे में, आप सभी को बताएंगे इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनकी एज जो हो चुकी है अभी वह है 24 साल। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करेंगे अब हम इन सभी के प्रोफेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं ये सभी ही। बात करेंगे यूट्यूब के एक्सपीरियंस के बारे में और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनमें से इनको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, मज़ा आएगा, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखते रहना। पीहू को आज यूट्यूब पर काम करते हुए 6 साल हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये, और काफ़ी मेहनत करती हैं ये अपने वीडियोज़ को लेकर। वही बात करेंगे परी के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज परी को यूट्यूब पर काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे वीडियोस इन्होंने बनाए हैं अपने करियर में। चलिए बात करते हैं प्रागति के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रागति को आज यूट्यूब पर काम करते हुए 5 साल से अधिक का समय हो चुका है, जो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छे वीडियोज़ प्रागति बनाती आ रही हैं। चलिए बात करेंगे जितुश्री के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जितुश्री को आज यूट्यूब पर काम करते हुए 4 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और काफ़ी अच्छे वीडियोस में काम करती आ रही हैं। चलिए बात करेंगे भारती के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज भारती को यूट्यूब पर काम करते हुए 4 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और काफ़ी अच्छे वीडियोस से बनाती आ रही हैं। चलिए बात करेंगे बबली के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज इनको यूट्यूब पर काम करते हुए 4 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बना रही हैं। चलिए बात करेंगे इन सभी को यूट्यूब पसंद है या इंस्टाग्राम। पहले बात करेंगे पीहू के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा पीहू को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यूट्यूब। जहाँ दोस्तों यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, सभी चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए बात करेंगे परी के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परी के बारे में भी, आपको परी को भी यूट्यूब ही सबसे ज़्यादा पसंद है आज। चलिए बात करेंगे प्रागति के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रागति को भी आज यूट्यूब ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए बात करेंगे जितुश्री के बारे में, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जितुश्री को भी यूट्यूब ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए बात करेंगे भारती के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भारती को भी यूट्यूब ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वही बात करेंगे बबली के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनको भी यूट्यूब ही पसंद है। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, अगर इनको करियर चुनना हो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, तो सभी यूट्यूब ही चुनेंगी। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियोस में आप सभी के लिए मैं चलाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।